Good morning children. In previous class we discussed about safety at school. Now today we will study about safety rules on the road. The rules which you have to follow when you are on the road. Now our topic is safety on road. The road. On the road. Walking, cycling or running on carelessly on the road can be dangerous. So we should follow traffic rules on the road for our own safety as well as the safety of others. Walking, cycling or running carelessly on the road is very dangerous for us. Means चलना, साइकिल चलाना या सड़क पे दौड़ना, वो भी लापरवाही से बिना इधर उधर देखे, हमारे लिए बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक हो सकता है. सो वी शुड ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड फॉर द सेफ्टी ऑफ अस एज वेल एज द सेफ्टी ऑफ द अदर्स. इसलिए सड़क पर हमें कुछ सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए जिससे कि हम भी सुरक्षित रह सके और दूसरों को भी सुरक्षित रख सके. ओके, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स ऑन द रोड वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द लेफ्ट साइड. वी शुड ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रोड. वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप्स. टू अवॉइड एक्सीडेंट्स ऑन द रोड वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड और ऑन द फुटपाथ. एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें या तो फुटपाथ पे चलना चाहिए या सड़क के लेफ्ट साइड मतलब बाई तरफ चलना चाहिए. एंड वाइल क्रॉसिंग द रोड यू शुड ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग. आपने देखा होगा सड़क के बीच में, जैसे ये आपकी सड़क है, इसके बीच में स्ट्राइप्स होते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्राइप्स होते हैं, ये होती है जेब्रा क्रॉसिंग. ओके, आपको इन्हीं जेब्रा क्रॉसिंग में चल करके रोड क्रॉस करनी चाहिए. यू हैव टू क्रॉस द रोड थ्रू दिस जेब्रा क्रॉसिंग ओनली एंड क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप्स. और तभी आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए जब ट्रैफिक स्टॉप हो जाता है, मतलब जब ट्रैफिक बंद हो जाता है. और आपको कैसे पता लगेगा ट्रैफिक कब स्टॉप हुआ, बंद हुआ? आपके सड़क पे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं. ओके, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं आपके सड़क पे जो आपको रेड, ग्रीन, येलो लाइट दिखाते हैं. ओके, रेड लाइट मींस स्टॉप एंड ग्रीन लाइट मींस गो, येलो लाइट मींस कॉशन, कॉशन और वी कैन ऑल्सो से स्लो डाउन. इट मीन्स व्हेन देयर इज येलो लाइट यू हैव टू स्लो डाउन. क्या होता है येलो लाइट में? ट्रैफिक जो है वो स्लो हो जाता है जिससे कि आगे रेड लाइट आने वाली है. बिकॉज नाउ इट इज गोइंग टू बी रेड लाइट, दैट इज व्हाई व्हेन देयर इज येलो लाइट ट्रैफिक स्लोज डाउन. धीरे धीरे ट्रैफिक स्लो होने लगता है, फिर रेड लाइट आ जाती है तो ट्रैफिक एकदम स्टॉप हो जाता है. व्हेन द लाइट इज रेड देन यू हैव टू क्रॉस द रोड. When the traffic stops, when the traffic stops, when the light is red, and when the traffic stops, then you have to cross the road using the zebra crossing. Okay, children. Now I am going to tell you some traffic signs. Okay. What are the traffic signs on the road? Now see, children. There are three type of signs. First is regulatory sign which you have to follow. Regulatory sign है पहला जो आपको follow करना बहुत must होता है. और regulatory sign is always in circle. Regulatory sign हमेशा circle में ही दिखाया जाता है. Suppose this is right turn है और उसको cross किया गया, it means no right turn. आपको राइट टर्न नहीं लेना है.
And one more I am showing you. This is the entry sign and when it is cut, it means that no entry. मतलब आपको इस एरिया में एंट्री नहीं करनी है जहां पे ऐसा साइन होगा. ओके, नाउ द सेकेंड साइन इज वार्निंग साइन, WARNING, वार्निंग साइन. वार्निंग साइन मीन्स आपको वार्न किया जा रहा है, आपको चेताया जा रहा है कि आगे ऐसी स्थिति है. एंड वार्निंग साइन आर ऑलवेज शोन ऑन ट्रायंगल. ये जो है हमेशा ट्रायंगल में रहते हैं वार्निंग साइन, जो आपको वार्निंग साइन बताते हैं. ओके, फर्स्ट साइन का मैं बता देती हूँ एक एग्जांपल. नाउ दिस इज रेलवे ट्रैक अहेड, मींस देयर इज रेलवे ट्रैक, सो यू हैव टू स्लो डाउन योर व्हीकल और यू हैव टू स्टॉप. ओके, और यू हैव टू लुक एट योर लेफ्ट और राइट, देन यू कैन गो. ओके, बिकॉज द ट्रेन इज अप्रोचिंग फ्रॉम आउटसाइड, मतलब आगे से ट्रेन आ रही है, इसलिए आपको आगे दायां बायां देखना है या फिर आपको रुक जाना है. तो इसको ऐसे होता है रेलवे ट्रैक अहेड. ओके, अब नेक्स्ट टाइम इट कैन बी रिटन नैरो रोड अहेड. मीन्स आगे सड़क संकरी है, इसलिए आपकी व्हीकल हो सकता है उसमें न भी जा सकती हो और आपको हो सकता है पैदल भी चलना पड़े. इसलिए ये आपको दिखा दिया जाता है पहले से कि आपकी रोड आगे की संकरी है, आप या धीमे हो जाइए या आपकी व्हीकल नहीं जाती है तो आप रुक जाइए, आप पैदल जाइए. ये आपका वार्निंग साइन है. ओके, थर्ड साइन इज इन्फॉर्मेटरी साइन. इट मीन्स आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आगे हॉस्पिटल है या आगे पेट्रोल पंप है. और नॉर्मली इन्फॉर्मेटरी साइन रेक्टेंगल में दिखाते हैं. ओके, और अगर प्लस का निशान है तो इट इज हॉस्पिटल. ओके चिल्ड्रन, नाउ हियर आर द सम सैंपल्स ऑफ ट्रैफिक साइंस. ओके, आई हैव गिवन यू ओनली सम फ्यू सैंपल्स, यू विल रीड मोर इन योर फर्दर क्लास अबाउट मोर साइंस. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज बीइंग सेफ फ्रॉम द विजिटर. ओके, बीइंग सेफ फ्रॉम अननोन विजिटर्स. Being safe from unknown visitors. By following simple rules, we can remain safe from unknown visitors. We should use safety devices to see a visitor. We should see through a magic eye or see him her by opening the door with the safety chain attached. We should open the door to allow it only those people whom we know. We should not give our address or other details to unknown callers. To be safe from unknown visitors, there are some rules that we should always keep in mind. First is you should use safety devices when you see a visitor. Some devices are magic eye or there is a chain attached to the door. कुछ डिवाइस हैं जिनसे आप अपने अननोन विजिटर, जिनको आप नहीं जानते हो, अनजान आदमी, उससे सेफ आप कैसे रह सकते हो. उसमें से एक डिवाइस है मैजिक आई. मैजिक आई होता है वो कि मतलब छोटी सी होल होता है आपकी किसी के दरवाजे में, जिससे आप देख सकते हो कि सामने कौन खड़ा है, आपकी पहचान का आदमी खड़ा है या कोई अनजान आदमी खड़ा है.
और किसी किसी डोर्स में चेन होती है जो अटैच होती है डोर से और उसके कुंडे के बीच में, जो चेन पूरी तरह से उसकी वजह से दरवाजा खुल नहीं पाता है, जो चेन होती है उसकी वजह से दरवाजा पूरी तरह नहीं खुल पाता है। तो अगर कोई विजिटर आपके यहाँ बेल बजाता है तो आप उस दरवाजे को खोलो, थोड़ा सा ही आपका दरवाजा खुलेगा तो आप समझ जाओगे कि वो आपके पहचान का आदमी है कि नहीं है, ठीक है। और यू शुड ओपन द डोर ओनली फॉर दोज पीपल होम यू नो, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप उसी आदमी के लिए अपना दरवाजा खोलो जिसको कि आप जानते हो। एंड थर्ड इज यू शुड नॉट गिव योर एड्रेस और एनी फोन नंबर और योर एनी डिटेल्स व्हेन एनी अननोन पर्सन कॉल्स यू, जब भी कोई अनजान आदमी आपको कॉल करता है तो आपको उसको अपना अपने परिवार का कोई डिटेल नहीं देना चाहिए, मतलब मम्मी पापा का, चाचा चाची का किसी का नाम नहीं देना चाहिए, फोन नंबर नहीं देना चाहिए और हाउस नंबर भी नहीं बताना चाहिए। अगर कब नहीं बताना चाहिए, अगर कोई ऐसा आदमी कॉल करता है जिसे आप ना जानते हैं, ओके। व्हेन यू विल फॉलो ऑल दीज रूल्स देन यू विल बी सेफ फ्रॉम अननोन विजिटर्स ऑल्सो। नाउ चिल्ड्रेन, टुडे वी स्टडीड सेफ्टी ऑन द रोड, मीन्स यू हैव टू यूज द फुटपाथ और यू हैव टू वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ओके। सेकेंड इज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग व्हेन यू क्रॉस द रोड एंड क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द व्हीकल स्टॉप्स। एंड बीइंग सेफ फ्रॉम अननोन विजिटर, यू कैन यूज मैजिक आई और सेफ्टी चेन्स टू सी वेदर द पर्सन इज नोन और नॉट। सेकेंडली यू शुड ओपन द डोर फॉर द पीपल हुम यू नो ओनली, ओके। एंड थर्ड इज यू शुड नॉट गिव योर एड्रेस ऑन एनी फोन नंबर और एनीथिंग टू द अननोन कॉल्स, मीन्स दोज कॉल्स विच द पर्सन हु इज ऑन द कॉल विच यू डोंट नो, ओके। नाउ दिस मच फॉर टूडेज session children. Now today's homework is you have to write safety rules on the road by your own in your science copy, means आपके दिमाग में इन rules के अलावा और कुछ rules आ रहे हैं जिन्हें आप use कर सकते हो, जैसे when you play on the road, when you play hide and seek, sometimes you hide behind the car and that is very dangerous because sometimes brake is not there properly done, सो इट में हार्म यू। इस तरह के कुछ मैं आप अपने आप से बना करके सेफ्टी रूल्स जो रोड पे फॉलो हो सकते हैं वो आप अपनी कॉपी में, साइंस कॉपी में एनी फाइव रूल्स आपको लिखने हैं, ओके। नाउ दिस मच फॉर टुडेज सेशन, नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट एड, ओके चिल्ड्रेन, एंड रीड द चैप्टर ऑल्सो, ओके। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग, थैंक यू।